परमात्मा मिले। जब वो 10 वर्ष की आयु के थे, आदरणीय गरीबदास साहिब जी का जन्म विक्रमी संवत 1774 में हुआ और सन 1717 में, और 10 वर्ष की आयु जब हो चुकी थी संवत 1784 और सन 1727 में, वो परमेश्वर जिसकी महिमा का गुणगान वेद बताते हैं वो कैसी लीला करता है, गरीबदास साहिब जी की थोड़ी सी जानकारी देंगे आपको, क्योंकि हमारे सिद्धांतम मार्ग में इन महापुरुषों का एक विशेष योगदान है सभी का। लेकिन इनमें से गरीबदास साहिब जी को परमात्मा ने अपनी योजना अनुसार पुनः वो सत्य ज्ञान दिया है जो अन्य संतों को तो दिया था लेकिन उनकी वाणी सभी संग्रह नहीं हो सकी, या गरीब धर्मदास साहिब जी को दिया था कंप्लीट, उसने लिखा ही था साथ बैठ के। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी की सारी वाणी गुरु ग्रंथ साहिब तक नहीं पहुंची, नहीं लिखी गई, उसमें बहुत सी वाणी कहीं कहीं रह गई। एक प्राण संग्रह नाम की पुस्तक है, उसके बारे में भी कहा है कि पूरी की पूरी नानक साहिब जी की वाणी थी, उसमें 160 अध्याय थे, 80 ही लिए गए, बाकी कुछ रह गए किन्हीं कारणों से, वो लंबा विषय है फिर बताएंगे। तो इस कारण से इस विशेष अध्यात्म ज्ञान को समझने के लिए विशेष योगदान है आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला जद्दर वाले का, क्योंकि परमात्मा को मालूम था। जैसे काल ने कहा था कि आप कबीर नाम से अपना ज्ञान प्रारंभ करोगे और मैं आपके ही मार्ग में आपके ही पंथ में अपने 12 दूत भेज दूंगा, आपके ज्ञान को खराब करेंगे और कबीर पंथी को आया करेंगे, नाम सारे गलत देंगे, तेरे ही अनुयायियों का मैं भट्ठा बैठाऊंगा। तब परमात्मा ने कहा था ठीक है तू अपना काम करिए मैं अपना करूंगा। फिर परमात्मा ने कबीर सागर के अंदर कबीर बाणी एक चैप्टर है उसके प्रश्न नंबर 134, 135, 136 और 137 पे ये स्पष्ट किया है कि गरीबदास जी का बर्मा पंथ होगा, संवत उसमें गलती से संवत 1775 लिखा है, वहाँ 74 होना चाहिए, मिसप्रिंट है, कि उसमें जो आएगा भक्त संत जो उसका मुखिया होगा उसके माध्यम से मैं अपनी महिमा की वाणी को पुनः प्रकट कराऊंगा, लेकिन उस गरीबदास पंथ वाले भी उससे परिचित नहीं होंगे, असंग जन्म तक वो मेरे इस ज्ञान को समझ नहीं सकेंगे। जैसे काल ने कहा था द्वादश पंथ करूँ मैं साधा और नाम तुम्हारा ले करूँ आवाजा, 12 पंथ चालू करूँगा तेरे नाम तक, परमेश्वर से कहा था, और द्वादश पंथ नाम जो ले ही सो मेरे मुख में आन समोई और अनेक पंथ चलाऊँ उनसे नारे राधा स्वामी धन धन सतगुरु जय गुरुदेव और ये ठाकुर जी दनोद वाला ताराचंद ये और अनेक पंथों में से हैं, और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं, जोग जीत जाओ संसारा जीव न माने कहा तुम्हारा। तो इसलिए परमात्मा ने कहा था कि चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई और काल फंद छूटे नरलोई सकल सृष्टि परवानी खोई। ये तो उन्होंने बता दिया कि बारहवें पंथ में मेरी महिमा की वाणी प्रकट होगी, उसके बाद फिर उस बारहवें पंथ में हम ही चलावें और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावें। तो परमात्मा ना ये दास भेज दिया पुण्यात्माओं, गरीबदास पंथ में ही दास का से ही निकास हुआ है। फिर क्या बताया है कि कलयुग बीते बीते 5500 तब ये मेरा वचन होगा साचा, कलयुग बीत जावे जब एता और सब जीव परम पुरुष पद चेता। ओए है 5500 जब वर्ष बीत जाएंगे उस समय ये मेरी बात सत्य होगी कि मैं बारहवें पंथ में स्वयं आऊंगा, सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलाऊंगा। अपने आत्माओं थोड़े से दिन की बात है, बुद्धिमान समाज है, अभी तक उनके पास यह ज्ञान पहुंचा नहीं है,
और पहुंचने लग रहा है परमात्मा तो दयालु है, घर घर टीवी लगा दिए, मोबाइल बना दिए, इनमें चिप डलवा लो, सीडी बैठ कर देख लो, पुस्तक पढ़ लो, टीवी देख, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो मार्ग से अपने बच्चों तक यो पहुंचा के छोड़ेंगे। और जब उनको ये समझ में आएंगे, हाय हाय, ऐसे आएंगे दौड़कर और सब एक हो जाएंगे, सबका मोक्ष होगा, सब यहाँ भी सुखी होंगे और सतलोक जाएंगे, जहाज भर भर कर भगवान आपको सतलोक छोड़ का होगा। यहाँ जो प्रसंग चल रहा है कि गरीब दास जी जो हैं, इनका विशेष योगदान, इसलिए इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री सुनाऊंगा ताकि आपको परमात्मा पहचानने में आसानी होगी। सभी वेद बतावें और सभी परमात्मा प्राप्त संत गुण गावें तो फिर भगवान के पहचानने में आपको धोखा नहीं होगा, देर नहीं लगेगी और दृढ़ हो जाओगे। फिर चाहे कोई ब्रह्मा विष्णु महेश आकर भी आपको भ्रमित करने की चेष्टा करेगा, आप उनकी बात को मान नहीं सकते। दास आपको इतना दृढ़ करना चाहता है। गरीबदास जी की थोड़ी हिस्ट्री सुनाऊंगा यहाँ, उनकी जीवन लीला थोड़ी सी सुनाऊंगा, वह पर्याप्त होगी आपके लिए। गरीबदास जी गांव करौथा, जहाँ अपना आश्रम है, सबसे पहले हमने 1999 में वहीं से स्टार्ट किया था। 2006 में करौथा कांड इन दुष्ट लोगों ने कर दिया था, वो उधर कोई बात नहीं, हम परमात्मा ने हमारा यहाँ सफलता कर दी। हमें तो अपना प्रचार करना है, चाहे कहीं जंगल में बैठ कर गुणगावा, भगवान के बच्चों तक ज्ञान पहुँच जाना चाहिए। तो करौथा गांव के वो मूल निवासी थे, उनके पिताजी, और वो ब्याहे थे गांव छुड़ानी, जिला झज्जर हरियाणा में, और गांव करौथा है जिला रोहतक में। तो यहाँ उनके नाना के छुड़ानी के अंदर, यानी गरीब दास जी की माता का कोई भाई नहीं था, जिस कारण से उनके नाना जी ने उनके पिताजी श्री बलराम जी को, उनका धनखड़ गोत्र है, अपने घर पे छुड़ानी में घर जमाई बोलते हैं कि अपने जमाई को वहाँ रख लेना, उसको घर जमाई कहते हैं। तो सारी संपत्ति उनको दे दी, अपनी बेटी को यानी उसके दामाद को, उनके लगभग 2,500 बीघा, जैसे राजस्थान में बीघा होता है, तो 2,500 बीघा, पहले बीघा ही था यहाँ पर भी, ये बाद में ये बनी है यहाँ पर एकड़, तो 2,500 बीघा जमीन था, इतना बड़ा किसान थे। आज के 1400 के करीब, 1450 के करीब एकड़ जमीन बनती है उन 2,500 बीघा की। तो सारी संपत्ति के वारिस फिर गरीबदास जी ही थे। 10 वर्ष के बालक थे, उनके पिताजी यानी नाना जी तभी तक वहाँ साथ ही थे, तो उनके वहाँ लगभग 150 गौवें थी चराहगा, क्योंकि अपने खेत बहुत बड़े थे, गौवें रखते थे। गरीबदास जी उन गौवों के पाली जाया करते थे चराने के लिए जंगल में। उनके साथ में अन्य गांवों के कुछ उनके किसान के यहाँ जो किराए पर पाली होते थे, और कुछ अन्य गांव वाले भी अपने गौवों को उनके खेतों में चराने के लिए साथ चले जाते थे। संवत 1784 यानी सन 1727 और फागुन उतरते की द्वादशी यानी फागुन सुदी द्वादशी को दिन के लगभग 10 बजे सभी गौवें चर रही थी, कोई बैठी हुई थी वृक्षों के नीचे, जांडी उस साइड में जैसे राजस्थान के अंदर जांड होते हैं ना, जांडियाँ, ऐसा ही स्थिति थी उस अक्षेत्र की उस समय, जो आज बहुत से अक्षेत्र में राजस्थान के अंदर, तो वहाँ जांडी ज़्यादा होती थी। उन जांडियों के पास बैठी थी, और एक रास्ता है गांव कबलाना है, छुड़ानी की सीमा से सटा हुआ, गांव कबलाना से गांव छुड़ानी में कच्चा रास्ता आता था। उस कच्चे रास्ते के ऊपर एक बड़ा पेड़ था जांडी का, उसके नीचे सभी पाली बैठे हुए थे, इंक्लूडिंग गरीबदास जी, और वो भोजन खा रहे थे, अपना 10 बजे से भोजन खा रहे थे।
उसी समय परमात्मा सतलोक से आए, कबीर देव एक जिंदा महात्मा का वेशभूषा बना के कलयुग के अंदर वो जिनको मिले हैं, जिंदा जैसे जिंदा महात्मा कैसा होता है, मुसलमानों के अंदर विशेषकर इस वेशभूषा के फकीर पाए जाते हैं। सिर पर काला टोप होता है, ऊंचे से चुंडे का नू ऐसे खड़ा सा, और एक ही ओवरकोट होता है काले कपड़ों का, काले कलर का ओवरकोट टाइप एक वस्त्र पहनते हैं, और एक अंडरवियर कच्छा घुटनों तक का। ऐसी वेशभूषा वाले को जिद्दा महात्मा कहते हैं। दाढ़ी केस बड़े हुए होते हैं उसके। इस वेशभूषा में परमात्मा थोड़ी सी दूर पर सतलोक से आकर उतरे, और उस रास्ते कच्चे रास्ते जा रहे थे, साथ में पाली बैठे थे, गरीबदास जी भी बैठे थे। उन पालियों में बड़े भी थे, कोई 40 वर्ष का, कोई 30 वर्ष का, कोई 10-15 वर्ष का, कोई 50 वर्ष के वृद्ध भी थे, प्रौढ़ भी थे। तो उसमें एक विशेषता थी, रास्ते चलते थे, साधु संत का तो आदर था ही था, आम व्यक्ति को भी विशेष रिगार्ड दिया करते थे और प्रार्थना करते थे, आओ जी भोजन पालो, दूर से चलकर आए हो, पैदल चल रहे, आओ महाराज बैठो भोजन पाओ। खड़ा हो गया एक आध भक्त और हाथ जोड़ लिए, परमात्मा तो आए उसी लिए थे, बैठ गए उनके पास। तब कहा जी भोजन पाओ, परमात्मा ने कहा, कबीर परमेश्वर ने, उस परम अक्षर ब्रह्म ने, कि भाई भोजन मैं खा के आया हूँ अपने गांव से। पालियों ने पूछा आपका गांव कहाँ है महाराज, आपका डेरा कहाँ है, कि मेरा डेरा सतलोक के अंदर है, सतलोक नाम है मेरे डेरे का। अब उनने सोचा भी होगा कोई गांव सतलोक नाम होगा उसका, तो महाराज जी भोजन खाओ। परमात्मा बोले भोजन नहीं खाऊं मैं, छका हुआ भी खा के आया, तो दूध तो पीना ही पड़ेगा अपने, हमारे पास ऐसी गवे हैं अभी 5 मिनट में दूध निकाल देंगे, ऐसी शरीफ गायें भी हैं। तो परमात्मा बोले भाई अगर दूध पिलाते हो तो कुंवारी गायें का दूध पिया करूं मैं। तो सभी कहने लगे बाबा जी तेरा दूध पीने की नीत नहीं है, आप तो मजाक करते हो, उपहास कर रहे हो हमारा, आप दूध पीना ही नहीं चाहते। परमात्मा कहते पीना चाहता हूँ, निकालो कुंवारी गाय का दूध पीता हूँ भाई मैं। तब गरीबदास जी खड़े हुए, उनकी एक प्रिय बछिया थी जिसको अभी बैल ने टच नहीं किया था, दूध पीना माँ का छोड़ रखा था, लगभग 1-1.5 वर्ष की बछिया हो चुकी थी, 1 वर्ष की, 1.5 वर्ष की, उसकी गले के रस्सी बांध रखी थी, उसको ला पकड़ के कहा देखो महाराज जी इसके बच्चा तो है ही नहीं, दूध कैसे देगी। परमात्मा बोले कोई एक पात्र लाओ जिसमें दूध निकालेंगे, ये दूध देगी भाई। अब वहाँ एक मिट्टी का बर्तन था, जैसे जल पीने के लिए या लस्सी पीने के लिए ले जाते थे, उसको साफ करके रखा हुआ था। तो उसको कहा कि ये रखा जी पात्र, कहने लगे इसको फिर दो दो एक बार अच्छी तरह, फिर दो दिया साफ करके, इसके नीचे रखो गाय बछिया के, बछिया के नीचे। गरीबदास जी 10 वर्ष के बालक पर तगड़े हो जाते थे, पकड़ कर बैठ गए, हंस रहे हैं, देख रहे बाबा जी कैसे दूध निकालेगा। अब परमात्मा ने बछिया के कमर पर थपकी मारी, लंबे लंबे सतन हो गए और दूध की धार बहत ली। जब वो पात्र भर गया अपने आप दूध बंद हो गया। गरीबदास जी हैरान कि बाबा जी बड़ा शक्ति वाला है, अगले महाराज जी फिर पी लो आपने निकाला। कुछ दूध परमात्मा ने पिया, फिर उन पाली उपस्थित थे, बड़े छोटे जितने भी थे, उनसे से कहा कि बेटा बच्चों पी लो, ये दूध यहाँ का नहीं है, मेरे डेरे से आया सतलोक से, अमृत है ये पी लो। वो पाली जो बड़े वाले थे, समझदार माने थे अपने आप ने, वो कहने लगे हम ना पीवा जादू जंतर का दूध, और कुंवारी गाय का पाप लग गया मारा, अर्थ ने झूठा कर दिया कि मेरा तो कौन सी जाति का है। वो तो उठकर चले गए। कहते हैं सकल पदार्थ है जग माही, कर्म ही नर पावत नाही। गरीबदास जी बोले ले महाराज जी आपका अमृत कद कद मिला मुझे झूठा। पुण्यात्माओं ये है वो पुण्यात्मा जिनके लिए भगवान भटक रहे होते हैं, जो दृढ़ भक्त होते हैं, उनका स्वभाव न्यारा होता है, उनके लक्षण अलग होते हैं। तो तुरंत गट गट जितना पीना था पियर बाकी रख दिया,
तो परमात्मा ने उनको ज्ञान समझाया, सारी कहानी सुनाई। तो परमात्मा से कहा बच्चे ने कि भगवान आप ऐसा स्थान बताते हो, क्योंकि वहां तो सारे दुखी दुख होता था, जैसे राजस्थान रेगिस्तान है ऐसे ही वह क्षेत्र था, ना कोई नहर का साधन था उसमें, दुख है दुख थे वहां पर, कभी सूखा गिर जाता था। तो परमात्मा ने बताया कि मेरा जो डेरा है बेटा, वहां पर ऐसे दूध की नदी बहती है, घी के सरोवर के सरोवर हैं, और वहां पर काजू किशमिश सेब संतरे सदा बाहर वृक्ष हैं, वहाँ कोई अभाव नहीं है, बहुत सुंदर लोक है। अब बालक था, प्रबल इच्छा हुई कि भगवान क्या वो लोक मुझे, मैं देख सकता हूँ? परमात्मा बोले ऐसे नहीं देख सकते, पहले आपने मंत्र लेना पड़ेगा, मेरा शिष्य बनना पड़ेगा, तभी उसमें आप प्रवेश कर सकते हो। बोले जी बना लो, क्यों कैसे बनाओगे? जैसे परमात्मा ने प्रथम मंत्र दिया और कहा बेटा अभी तेरे को सतलोक ले चलता हूँ, अपना डेरा दिखा के लाता हूँ। उस आत्मा को निकाला, ऊपर ले गए, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, धर्मराज का लोक दिखाया जहाँ बैठकर वो सबका न्याय करता है, 21 ब्रह्मांड काल के दिखाए, काल की वो तपतशिला दिखाई जहाँ 100,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को ये यहाँ का भगवान भून कर खाता है, जिसके लिए आपको यहाँ पाले बैठा है, रोके बैठा है, बका रखा है, आपको मूर्ख बना रखा है। और उस काल के सिर पे पैर रख के परमात्मा उसको ऊपर लेकर गए, अक्षर पुरुष का लोक दिखाया, उस परब्रह्म का 21 ब्रह्मांड दिखाए, फिर बर्मा द्वार पार करके सतलोक में पहुंचे, गरीबदास जी को देखे। अब वहां क्या लीला की दाता ने, वहां परमात्मा अन्य रूप में उसी शकल में एक अन्य रूप सिंहासन पर विराजमान है, सिर पर मुकुट है जैसे राजा पहनते हैं, बहुत ही सुंदर मुकुट सफेद कलर का, ऊपर एक छतर है बहुत सुंदर सफेद कलर का, बहुत सुंदर सिंहासन जिसमें हीरे मोती और लाल लगे हुए हैं सफेद ही कलर के, वो बैठा है भगवान। परमात्मा सतलोक में बैठे भगवान के एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, इतना प्रकाश है, तो उसको चरम दृष्टि नहीं देख सकती, आत्मा की आंखें ही उसको देख सकती है। तो गरीबदास जी ने देखा भगवान तो ये है, ये हिमालय की बैठा तख्त पर, और बहुत बड़ा गुम्बद है उसका, जैसे मंदिर नुमा एक बहुत बड़ा गुम्बद है, उसके सेंटर में भगवान विराजमान है। अब नीचे से जो जिंदा महात्मा के रूप में परमेश्वर कबीर जी गए थे उनके साथ, वो वहां जाकर चंवर उठा के और सिंहासन पर बैठे भगवान पर चंवर करने लगे। गरीबदास जी ने सोचा कि भगवान तो ये हर ये बाबा जी इसका कोई नौकर सेवादार कोई इनका चेला चला होगा, इतना सोच ही रहा था तभी वो तेजोमय शरीर वाले भगवान खड़े हुए, सिंहासन छोड़ दिया और करबद्ध होकर कहा भगवान ग्रहण करो अपना सिंहासन, आपकी अब्सेंस के में आप मुझे यहाँ बैठा कर गए थे। कबीर साहब उस पर विराजमान हुए और वो तेजोमय शरीर उठाकर चंवर करने लगा, जैसे शिष्य करते हैं गुरुजी पे ऐसे। गरीबदास जी ने सोचा रहे यू भगवान अर्चवर करे इस पे बाबा जी पे, इतने में क्या हुआ कि वो तेजो में शरीर नीचे से गए जिंदा महात्मा के शरीर में समा गया और चंवर अपने आप घूम रहा ऊपर। इस लीला को देखने के बाद परमात्मा ने सारी कथा सुनाई, भाई मैं भगवान हूं, गरीबदास मैं काशी में रहा 120 वर्ष, मेरा धाणक कबीर नाम था, मैं धाणक रूप में रहा करता था, जुलाहा का काम करता था, सारी सृष्टि को मैंने ज्ञान देने की चेष्टा की, लेकिन उन नकली लोगों ने अपनी चलने नहीं दी और सभी बच्चे अशिक्षित हैं। गरीबदास जी ने कहा कि भगवान मुझे यहीं रख लो, मैं नहीं जाऊँ उस गंदे लोक में। परमात्मा ने कहा बेटा जाना पड़ेगा, तेरे भाई बहन हैं, उनको कौन बताएगा मेरी महिमा, मेरा गवाह कौन बनेगा, तो गवाह बन, मैं तेरे साथ रहूँगा,
कोई आपत्ति बेटा, तेरे प्राण नहीं दूंगा, तू मंत्र करता रह। यानी इस प्रोसेस में, इस सारे घटना चक्कर में काफी समय बीत गया। उधर से जो पाली थे वो तो छोड़कर चले गए, तो उसको काफी दूर चले गए। दो तीन चार घंटों के बाद, पांच घंटे के बाद उन्हें देखा, उनको तब तक ध्यान नहीं आन दिया परमात्मा ने। उन्होंने कहा रहा, वो लड़की का लड़का कहाँ है, उसको उसका नंबर आ गया गाय घेरण का। पाली क्या करते थे, अपना समय टर्न लगाते थे कि भाई दो घंटे तू पशुओं के साथ खड़ा होगा, हम लेटेंगे वृक्ष के नीचे। तो उसका जब नंबर आया, उसको खोजा, कह रहे वो कहाँ गया। उन्होंने कहा तो बाबा जी के पास बैठा रह गया था, लाओ उसको बुला के। दो जने बुलाने गए, वो शरीर ऐसे बैठा है आराम से, और वो आवाज़ लगा रहे हैं, अरे ग्रीबू, ग्रीबदास नाम था महापुरुष का, गांवों में गांव नाम बिगाड़ दिया करें, ग्रीबू कहा करते, ग्रीबू। कहने लगे रहो ग्रीबू, आ जा, तेरा नंबर आ गया, गाय घेर ले। निकट से आके कहने लगे, ओ भगत जी खड़ा हो ले। उन्हें सोचा समाधि लाए बैठे हो, और वो बैठा शरीर शरीर टिका था उसका, पकड़ के लाया, कहते गए भगत जी खड़ा हो। वो गिर गए, गिर गए तो आँखें खुली हुई, सांस नहीं, तो वो तक एकदम हक्का बक्का रह गए। आवाज़ लगाई दूसरे साथियों को कि गरीबू मर गया, गरीबू मर गया, भाग जाओ भाग जाओ। उन्होंने कहा जाओ गांव में बताओ, सारी कथा सुनाना कि एक बाबा जी ने जंतर मंत्र का दूध पिला दिया जिससे मर गया हो। अब गांव में भागे गए, मात पिता का इकलौता पुत्र, वो भी 12 वर्ष शादी के बाद हुआ था विवाह के उपरांत, और उसकी मृत्यु सुनकर दोनों अचेत हो गए, बेहोश हो गए, चक्कर खा के गिर गए। फिर गांव के अन्य लोग, उनके नाना जी साथ और भी बहुत से, जिसने भी सुना वही चल दिया गांव खेतों की तरफ। वहां से बच्चे का शव उठाकर लाए, शाम होगी, चिता पर रख दिया अंतिम संस्कार करने के लिए। तब परमात्मा ने कहा बेटा जल्दी जा, ना वो खराब कर देंगे तेरे शरीर को। गरीबदास जी को सब कुछ दिखाया, वहाँ से सारा दिखाई देता है, यहाँ पर चाहे चीटी देख ले चलती, वहाँ ऐसी दिव्य दृष्टि मिलती है। गरीबदास जी तुरंत छोड़ दिए, जा बेटा स्पीड से, एक सेकंड के भी कुछ अंश में आत्मा प्रवेश कर दिया गरीबदास साहिब जी को। ऐसे जब चिता पर बैठे हुए थे, उनका कुछ जैसे बांध कर ले जाते हैं ना, उस अर्थी के ऊपर रस बांध लेते हैं, रस्सा कहीं गिरना जा रास्ते में, वो नौका ने रखा ही था, इतने में उठ गए और वो बंधन अपने आप टूट गए, खुल गए, और खड़ा होकर 10 वर्ष का बालक देखता है तो वह कहाँ गया। जैसे सरप्राइज सा होता है उसको, उसकी भाषा बदल गई, उसका विचार बदल गए, बुजुर्गों जैसी बातें करने लग गया और ये बानी सुनाने लग गया। अब जिससे भी बात करे ये अमर बाणी बोल कर बात करे, गांव वाले इस वाणी से परिचित नहीं थे और अपने आप बोलते रहते थे कहीं खड़े होकर के, बच्चों में बैठ जाते, बच्चों में ये कहानी सुनाने लग जाते। अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रथीर, दास गरीब उधारिया सतगुरु मिले कबीर। तो सारा गांव उसको कहने लगे लड़का पागल हो गया, एंड बैंड बोल रहा है, इसकी भाषा समझ में नहीं आती, पागल हो गया, मेंटल हो गया। उसको पागल कहने लगे, गाँव में बावलिया कहते हैं बौड़ा, उसको बावलिया कहने लगे। बावलिया नाम पका दिया उस परम पिता की प्यारी आत्मा का, उन तत्व ज्ञानहीन प्राणियों ने। कहते गरीबदास जी को भी बावड़ा बता के कर ले दुनिया सैनी का। अब तो उन्होंने ये संतोष हुआ मात पिता को और गांव वालों को कि भी कोई बात नहीं, पागल तो हो ही गया यूं, फिर भी इसकी माता या लड़की अपने इस पागल ने देख के इसके साथ अपना जीवन संतोष कर लेगी या मरे नहींगी, इसके भी योग में शुक्र है भगवान का, जीवित तो हो गया, पागल हो ऐसा हुआ। इस तरह 3 वर्ष बीत गए। एक दादू पंथी, दादू जैसे अभी अपने महात्मा दादू जी का जिक्र किया दास ने, कि उनको भी भगवान मिले थे गरीबदास कबीर साहब 7 वर्ष की आयु में, 7 वर्ष के बालक थे तब वो, और उनको भी ऐसे बनी में, जैसे गांव से थोड़ा सा बाहर जंगल होता था, यानी थोड़ा जंगल होता था, उसको बनी बोलते थे।
वह बच्चों के साथ खेल रहा था, गरीब परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में आए, उनसे भी ये चर्चा की। अब परमात्मा ने अपने लोटे में सतलोक से अमृत लाए हुए थे वो रखा था, तो बात चलते चलते ज्ञान सुनाने लगे, बच्चे बड़े इंटरेस्ट से सुनने लगे। दादू जी ने कहा, भगवान वो लोक कैसा है आपका, क्या हम देख सकते हैं? कहा बेटा देख सकते हो, लेकिन दीक्षा लेनी पड़ेगी, पहले दे दो मुझे दीक्षा। मंत्र सुनाया, फिर उसके बाद एक पेय पदार्थ पिलाना होता, जैसे हम आपको मिश्री और जल पिलाते हैं अमृत, इस तरह भगवान ने क्या किया, वो पान के पत्ते पे पहले तो अमृत स्वयं पिया, जूठा कर दिया, और फिर उसी में से पान के पत्ते पर रख डाल दिया। पान वहाँ आसपास कोई पान का पेड़ खड़ा था, उसके ऊपर ऐसे डाल दिया कि ले बेटा पी ले। सभी अन्य बच्चे बैठे थे, उन सभी कहा कि ले भाई तुम भी ले लो, अमृत है ये। वो तो उठकर भागे कि ना बाबा जी, करा कैसा पानी तरह जूठा कर दिया तूने। अब उसने दादू साहब जी ने अकड़ा, भगवान आपका जूठा कद कद मिला, वो पी लिया। पीने के बाद परमात्मा ने कहा कि तुझे दिखाऊं सतलोक, जी ले चलो। तीन दिन और तीन रात दादू जी का शरीर अचेत रहा, श्वास खत्म नहीं हुई, लेकिन कोमा में, आजकल कोमा में कह देते हैं उसको, और आत्मा को ले गए परमात्मा ऊपर, जैसे गरीबदास जी के साथ लीला की थी ऐसे ही की। और तीन दिन तक रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, ना लड़का मर रहा है ना जी रहा है, हाहाकार मची है, गांव के आसपास के लोग जानकार इकट्ठे हो गए। तीसरे दिन होश में आ गया, खड़ा होकर कहने लगा, ओहो कहाँ गए वो भगवान, परमात्मा कहाँ है, पागल से हो गए, नुगुम इधर उधर है। तो कबीर साहब कहते हैं, राम वियोगी ना जीवे और जीव तो बौड़ा हो। भगवान के सुख ने देखने के बाद आदमी या तो जीवे नहीं, जीवेगा तो पागल हो जाएगा। तो वह दशा उस महापुरुष की हुई। तो दादू साहब जी बड़े होते गए जो जो, तब उन्होंने उस अमृतवाणी बोली, वह उनके चेलों ने लिखी, गरीब दादू साहब जी के ने, और दादू जी के ग्रंथ में ये विद्यमान है वाणी। अब दादू जी क्या बताते हैं, थोड़ी सी महिमा परमात्मा की दादू जी के शब्दों से सुनाते हैं। पुणात्माओं, परमात्मा शब्द कहने से पाप करने लग जाते हैं जीव के, लेकिन जो परमात्मा है उसको उद्देश्य बनाकर उसको परमात्मा कहा जाए। अब जैसे हम तहसीलदार को और प्रधानमंत्री कहें जावें और उसका आगे अप्लीकेशन रखें, प्रधानमंत्री के सत्र का काम और उसके तहसीलदार के आगे रखें, वैसे प्रधानमंत्री कहें जाओ कति नारी जय अरना वो काम कर सकता। तो प्रधानमंत्री का ही उद्देश्य लेकर उसका आगे अर्जी रखेंगे तब ये काम होगा। अब क्या बताते हैं दादू साहब जी ने कैसे गुण गाए हैं, जो जो शरण कबीर के वो तिर्ग अंत अपारे, दादू गुण के ता कहूं भाई कहत न आवे वारे, कहत न पावे पार। कबीर करता आप है दूजा ना कोए, दादू पूर्ण जगत को भक्ति दृढ़ावत सोए। ठीका पूरा होवे जब सब कोए तज शरीर, दादू काल पकड़े नहीं जपे जो नाम कबीर। आदमी की आयु घटे तब जम घेरे आए, स्मरण किया कबीर का दादू लिया बचाए। मेट दिए अपराध सब आए मिले छन माही, दादू संग ले गए कबीर चरण की छाई। सेवक देव निज चरण का दादू अपना जान, ब्रिंगी सत कबीर ने कीन्या आप समाने। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सत साहिब सर। क्या नाम है बहन जी आपका? कमलेश। कहाँ के रहने वाले हैं आप? दिल्ली। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 22 दिसंबर सन 2012 को नाम दीक्षा ली थी संत रामपाल जी महाराज जी से।
संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति किया करती थी और जहाँ भी भागवत होती थी, रामायण होती थी, वहाँ भी जाया करती थी। परमात्मा के लिए बहुत आस्था थी। जहाँ गढ़ ये भागवत होती थी, गणेश कलश उठाया जाता था, वहाँ भी मैं पहला भाग अपना लेती थी। जहाँ फिर सुबह नहाना धोना करके वहाँ पूजा पाठ के लिए जाया करती थी। परिक्रमा भी दिया करती थी तो नंगे पैर दिया करती थी। पहले से बचपन से ही परमात्मा के लिए बहुत तरस थी मुझे। मैं चाहती थी कि मुझे परमात्मा की एक भक्ति ऐसी मिले ताकि मैं मन से अपनी भक्ति कर लूं। बहन जी, आपने बताया कि आप ब्रह्मा विष्णु शिव जी की पूजा करती थी और व्रत भी किया करती थी, इनमें आपकी बहुत गहरी आस्था थी। आप रामायण भागवत में भी जाया करते थे, आप परमात्मा को खोज रहे थे, तो इन सब भक्ति साधनाओं को करते हुए आपको क्या लाभ मिले? जी कुछ भी नहीं लाभ मिला। इनसे तो हमको तंगी और हो गई थी। हमारे माँ बाप भी व्रत उपवास सब किया करते थे। हमारे माँ बापों की भी स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन फिर भी करते रहते थे। हमको यही नहीं पता था कि क्या लाभ होता है, क्या हानि होती है। फिर भी हमको ये गुरु, धर्म गुरु और भी ये बताते थे, पंडित बताते थे कि बस इनकी पूजा करते रहो और आपको यही लाभ देंगे। मेरे इतना भूत प्रेत का भी चक्कर रहता था। जब मैं मायके में रहती थी, कभी पेट में दर्द हो जाता था, कभी हाथ पैरों में दर्द हो जाता था। अपने परिवार के जब जवान खत्म हो गए तो ये हमारे ऊपर चक्कर काटते रहते थे। भैंस दूध भी नहीं देती थी, इतनी परेशानी आ जाती थी। मेरी मम्मी भी तंग हो जाती थी पूजा पाठ करते, इन देवी देवताओं की और इनकी भूत खरीसों की पूजा करते करते। और मेरा भाई भी कभी पंडित को बुला के लाता था, कभी कभी किसी के पास जाता था, कोई बता देता जादू टोना, कोई बता देता कि है। वो कुछ ना कुछ करते रहते थे, मैं भी उनके साथ लगी रहती थी। मुझे पहले से ही भक्ति के लिए चाह थी। मेरी मम्मी की भी इतनी तबीयत खराब रहती थी, इन्हीं के चक्कर में पूजा पाठ करते करते भी मेरे पापा की भी डेथ हो गई। इनकी पूजा करते थे, इनकी भक्ति करते थे। उनके भी 6 भाई थे, उनके भी मतलब वो भी 6 के 6 खत्म हो गए। ऊपरले चक्कर में कोई पेड़ से नीचे गिर गया, कोई कुछ हो गया, मतलब ऐसे ही 6 के 6 ऐसे ही खत्म हो गए। मतलब भूत प्रेत की बहुत बाधा थी। हमारे सास ससुर जब भक्ति करते थे तो हम भी उनके साथ फिर भी भक्ति करते रहते थे। और हमारे सास ससुर ने सतपाल जी से नाम दान ले रखा था, तब उनकी भक्ति करते थे। इनकी सबकी भक्ति करते करते भी हमको कोई लाभ नहीं हुआ, हानि थे सिवा। बहन जी, आपने बताया कि आप ब्रह्मा विष्णु शिव जी की पूजा करती थी, देवी देवताओं में आपकी बहुत गहरी आस्था थी। इस भक्ति साधना से आपको कोई लाभ नहीं मिला, आपको भूत प्रेत की समस्या हो गई। वो भूत प्रेत की समस्या इतनी थी कि आपकी और आपकी माता जी की बहुत तबीयत खराब हो गई और आपके इस भूत प्रेत की समस्या से आपके पिताजी की मृत्यु हो गई। तो फिर संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपको कैसे पता लगा? संत रामपाल जी महाराज की शरण में कहीं एक ज्ञान गंगा पुस्तक उनको कहीं से मतलब मिली थी उनको। तब मेरे ससुर ने वो ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी, उसमें ज्ञान देखा कि उसमें तो सतपाल जी से जो नाम दीक्षा ले रखी थी, उनकी भक्ति करते थे, उनसे भी ज्यादा उनमें उसमें गहरा ज्ञान था ज्ञान गंगा पुस्तक में। तब हमारे ससुर जी ने बोले कि मैं तो यहाँ जाऊंगा। तब हिसार में वहाँ बरवाला पहुंचे, तब उन्होंने नाम दीक्षा ली। जब सत्संग संत रामपाल जी महाराज का ध्यान से सुना, मन से सुना, तब हमको ज्ञान हुआ कि भाई पूरे विश्व में और लगता ही नहीं है कि और कोई ज्ञान देने वाला हो। लेकिन जब हम गए बरवाला आश्रम में, वहाँ का हमको माहौल बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? हाँ जी, पंडित छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद हमको बहुत लाभ हुए। हम कभी वर्णन भी नहीं कर सकते थे कि हमको इतना लाभ होगा या हमको इतनी सुख शांति भी मिलेगी। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद, पहले तो मेरी बेटी इतनी बीमार हो गई थी कि उस पर उठा भी नहीं जाता था। वो खाट में ऐसी पड़ गई थी, उससे कोई नहीं बोल सकता कि ये बच जाएगी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई, संत रामपाल जी महाराज जी ने बस प्रार्थना में ये बोला परमात्मा दया करेंगे, तब से मेरी बेटी बिल्कुल आराम होता चले गया। तब से बिल्कुल ठीक है, भक्ति भी करती है, नाम दीक्षा भी ले रखी है। और मेरे बेटे को भी एक बीमारी थी, सब लोग जिसको बताती थी सब लोग यही बोलते थे इस बीमारी का इलाज करवाओ, ये बीमारी सही नहीं है। बीमारी ये थी जो रोते रोते ये दौड़ा पड़ जाता था उसको, रोते रोते सांस ऐसी भूल जाता था कि कम से कम 10 मिनट हो जाती थी और वो काला पड़ जाता था।
तब मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करी कि संत रामपाल जी महाराज, आपका बच्चा है, ये हम कैसे करेंगे जब आपका बच्चे के ऐसा हो जाएगा। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने फिर भी यही बोला कि परमात्मा दया करेंगे। यही सुन के अपना बस हम कहीं नहीं गए, डॉक्टर के पास ना कहीं गए। हमने बोला परमात्मा, आपसे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है, हम किसी के पास नहीं जाएंगे। तब संत रामपाल जी महाराज की दया से आज बेटा बिल्कुल ठीक है। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पैसे को लेके घर में स्थिति खराब थी। सब्जी के लिए भी सोचना पड़ता था कि कहाँ से पैसे लेके आए, कहाँ से अपना कैसे कैसे घर चलाएंगे, महंगाई दिन रोज बढ़ती जा रही है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसी दया हुई परमात्मा की शरण में आने से कि हमको बिल्कुल सुख शांति सब लाभ मिल गए, सब कुछ मिल गया, आत्मा शांति दे दी परमात्मा ने। सबसे बड़ा यही हमको चमत्कार दिया परमात्मा ने, जिसकी मैं खोज करती थी। जब मैं नाम लेने के बाद 2-3 महीने बाद फोन आया बैंक की तरफ से कि आपका 30,000 रुपये का चेक आ गया है। तब मैंने सुना तो मैं बोली, हे बंदी छोड़े परमात्मा, आपने बहुत बड़ी दया करी। तब वो 30,000 रुपये का चेक लेके आई, तब उसमें 55,000 रुपये परमात्मा ने मुझे बैंक में दिए 3 बार में। संत रामपाल जी महाराज ने ये भी टेंशन दूर करी परमात्मा ने पैसे की। और फिर दूसरा लड़की का और मेरा संत रामपाल जी महाराज की कृपा से एक ग्रुप बन रखा है, एक ऑफिस खुल रखी है, उसमें सरकार की तरफ से परिवार में से एक बच्चे को लिया जाता है और उसमें पढ़ने के लिए घर खाने पीने मतलब सब बच्चे की हेल्प के लिए 1,300 रुपये हर महीने दिए जाते हैं, उसमें 6 महीने में एक बार निकाला जाता है। मेरे हस्बैंड को दर्द हुआ था रात को तो बहुत परेशान हो गए थे, तब उनको हॉस्पिटल ले गए थे, डॉक्टरों के पास ले गए। डॉक्टरों ने बोला कि इसके तो पथरी है, अल्ट्रासाउंड कराओ। तब अल्ट्रासाउंड कराया तो अल्ट्रासाउंड में पथरी बताई, ऑपरेशन ही होता उसका, पथरी का बोल दिया था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की ऐसी दया हुई, वो पथरी बिल्कुल ठीक हो गई। आज कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी और ना आप दवाई खाने की जरूरत पड़ी दोबारा से। वो आज तक 4-5 साल हो गए लेकिन दोबारा से अब तक वो दर्द भी नहीं हुआ संत रामपाल जी महाराज की दया से। परमात्मा ने 2 बच्चे दे रखे, एक लड़की एक लड़का। लड़का मेरा 10 महीने का पूरा हुआ था, डॉक्टरों ने ये बोल दिया था इसके ऑपरेशन होकर डेट निकल गई, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की कृपा से वो नॉर्मल हुआ। सतनाम का भजन कर रही थी मैं तो वो बच्चा नॉर्मल हो गया, घर पे ही हो गया, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी, नहीं किसी डॉक्टर की जरूरत पड़ी। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से सब कुछ घर पे ही हो गया था। मेरी नंद थी तो उनको फालिस मार गई थी, उन पर उठा बैठा भी नहीं जाता था, उनको लैट्रिन बाथरूम पकड़ के ले जाते थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आज वो बिल्कुल ठीक हैं। जब हमको ये ज्ञान हुआ तब मैंने अपनी मम्मी को बताया, अनाचक वो दीप बीमार हो गई, उनकी सांसें रुक गई थी, रोना पीटना हो गया था घर में और रिश्तेदार भी आ गए थे। और फिर बोली कि मैं आपके परमात्मा, आपके मुझ पर दया करो। मन में वो बोल रही थी, हमने भी बोला था ये परमात्मा आप ऐसे भी दया करो परमात्मा, आपके आपकी शरण में आने के लिए काफी दिन से सोच रही हैं। उसी टाइम परमात्मा ने इतनी अच्छी दया करी कि उनमें उल्टी सांस आ गई और उनको हम गए तब उनको गाड़ी में डाल के लाए, उनको नाम दिलवाया संत रामपाल जी महाराज जी से। आज वो ठीक है बिल्कुल, आज वो भक्ति कर रही है, उनको सतनाम भी मिल गया, उनको जब दिलवाया था नाम सन 2016 में संत रामपाल जी महाराज जी से। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से एक लाभ और हुआ कि हम कभी नहीं सोचते थे कि हम अपने बच्चे को एक अच्छे से स्कूल में पढ़ा पाएंगे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया हुई, हमने ऑनलाइन EWS से जो ऑनलाइन निकलते हैं, हमने पहले अपने बच्चे के दोनों बच्चों का एक साथ हमने ऑनलाइन में फॉर्म डाल दिया, जॉन जॉन से स्कूल में डाला, उस स्कूल में ही पहले नंबर पे आ गया। आज वो बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, अच्छे से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वो भी संत रामपाल जी महाराज की दया है। हम कभी नहीं बयान कर सकते, कभी नहीं सोच सकते थे कि हमारा बच्चा ऐसे स्कूल में पढ़ पाएगा। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो भगत समाज आज आपको देख रहा है और जो लोग दुखी हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी? क्या वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो सकते हैं?
जी हाँ, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। जैसे मेरे को इतनी प्रॉब्लम थी, इतनी परेशानी होती थी, मेरे माई के में भी, मेरे घर पे भी इतनी परेशानी होती थी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद सब कुछ ठीक है। मैं आज मेरे बच्चे भी स्वस्थ हैं, हम भी स्वस्थ हैं, मेरे हस्बैंड भी स्वस्थ हैं, सब कुछ घर चल रहा है। मैं यही कहना चाहूंगी कि आप सभी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लो, सब दुख दूर हो जाएगा और भक्ति साधना भी सत्य मिल जाएगी। आप हमेशा के लिए सुखी हो जाओगे और अपने सतलोक निज धाम पहुंच जाओगे सतलोक में। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी के बहुत सारे चैनलों पर अब सत्संग आता है, आप उन नंबरों का नोट कर लो और उन नंबर पे फोन लगाओ और संपर्क करो, नाम दीक्षा लो, भक्ति करो और अपना कल्याण कर पाओ। धन्यवाद जी, सत्साई। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222880541, 8222880542, 8222880543, 8222880544।